जब नाम मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह। आप लोग जब भी कुंडली देखते होंगे या किसी को दिखाते होंगे तो वो आपको कहते होंगे कि आपका ये ग्रह उच्च का है, आपका ऐसा ग्रह उच्च का है, आपका ये ग्रह नीच का है। अब इसका मतलब क्या है? जो भी ग्रह हमारी कुंडली में उच्च का होगा वो याद रखे बाध्य है कि वो हमें अच्छे परिणाम ही देगा, और जो ग्रह नीच का है वो हमेशा हमें बुरे परिणाम ही देगा। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में उच्च का और नीच का ग्रह कैसे देखता है। ये जो मेरे सामने आप कुंडली देख रहे हैं, ये एक जनरल कुंडली बनाई है मैंने। ये ना मेष राशि की कुंडली है, ये एक नॉर्मल कुंडली है जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि कौन सी राशि में ग्रह उच्च का होता है और कौन सी राशि में ग्रह नीच का होता है। देखिए, अगर आप एक नंबर देखें तो इस पर मैंने लिखा है सूर्य देवता। सूर्य देवता सदैव एक नंबर की राशि में उच्च के होंगे, सदैव, और ये कभी नहीं बदलेगा। ये अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होगा और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होगा, ये सदैव हमेशा सदैव एक जैसा रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो सूर्यदेव एक नंबर की राशि में सदैव उच्च के होंगे। उसी तरह चंद्रदेव दो नंबर की राशि में सदैव उच्च के होंगे। राहु देवता दो नंबर और तीन नंबर की राशि में सदैव उच्च के होंगे। बृहस्पति देवता चार नंबर की राशि में सदैव उच्च के होंगे। बुध देवता छह नंबर की राशि में सदैव उच्च के होंगे। शनि देवता सात नंबर की राशि में उच्च के होंगे। केतु देवता आठ नंबर की राशि में उच्च के होंगे, नौ नंबर की राशि में भी उच्च के होंगे। मंगल देवता दस नंबर की राशि में उच्च के होंगे और शुक्र देवता बारह नंबर की राशि में उच्च के होंगे। अब आपकी कुंडली में जो भी ग्रह इस नंबर पे बैठा है वो सदैव आपको अच्छे फल देगा क्योंकि वो उच्च का ग्रह है। अब हम ये देखते हैं कि ग्रह नीच का कब होता है। यह भी बहुत आसान है, ये आप एक बार समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हर ग्रह की दृष्टि होती है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन सातवीं दृष्टि सबकी सेम होती है। हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। तो जो ग्रह जिस घर में उच्च का है उसके सातवें घर से वो नीच का होगा। अब हम सातवां घर कैसे काउंट करेंगे, ये जो हम काउंटिंग करेंगे यह भी हमेशा सेम रहेगी। तो आप जिस घर में वो ग्रह बैठा है आप उस घर से काउंट करना शुरू करेंगे सात तक। मतलब अब सूर्य देवता एक नंबर पर बैठे हैं तो आप एक दो तीन चार पांच छ सात, इसका मतलब सातवें नंबर की राशि में सूर्य देवता नीच के होंगे, ये हमेशा सेम रहेगा। उसी तरह अब चंद्र देवता दो नंबर की राशि में उच्च के हैं। अब आप अगर यहां से सात काउंट करेंगे तो जहां पे हम पहुंचेंगे वहां पे चंद्र देवता नीच के होंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात। अब अगर आठ नंबर जहां लिखा है वहां पे चंद्र देवता बैठे हैं तो वह नीच के हैं। अब इसी तरह राहु देवता को देख लो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो राहु देवता भी आठ नंबर पर नीच के हो गए। अब यहां से गिनेंगे तो नौ यहां पे नीच के हो जाएंगे। बृहस्पति देवता एक दो तीन चार पांच छ सात, दस नंबर की राशि में जहां पे मंगल देवता उच्च के हो रहे हैं वहां पे बृहस्पति देवता नीच के हो जाएंगे। तो अब किसी भी ग्रह से सातवां घर गिनेंगे वहां पे वो ग्रह नीच का होगा और आपको बुरे परिणाम ही देगा। अब ये बात मैं आपको इस चार्ट में बता दूं। ये देखिए वृष कर्क कन्या, यहां मैंने लिखा है उच्च, यहां मैंने लिखा है नीच। अब सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के हैं और
और तुला राशि में नीच के हैं। यही बताया था मैंने आपको। मेष राशि मतलब एक नंबर, एक दो तीन चार पांच छह सात, सातवां आया तुला। तो सूर्य देवता सदैव तुला राशि में नीच के होंगे। अब यहां देखिए चंद्र देवता, चंद्र देवता वृष राशि में या वृषभ राशि में दो नंबर पे उच्च के हैं। अब यहां लिखा है कि चंद्र देवता आठ नंबर की राशि में नीच के हो जाएंगे। कैसे? एक दो तीन चार पांच छ सात, सात फिर आया आठ, तो चंद्र देवता वृश्चिक राशि में नीच के हुए। अब राहु देवता, राहु देवता दो राशियों में उच्च के होते हैं और दो ही राशियों में नीच के होते हैं, उसी तरह केतु देवता भी, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं सातवें घर में 180 डिग्री के एंगल पे। राहु देवता देखिए वृष राशि और मिथुन राशि, दो नंबर और तीन नंबर, राहु देवता सदैव यहां उच्च के होंगे। अब यहां से गिनेंगे तो आठ आएगा, यहां से तीन नंबर से गिनेंगे सात तो नौ आएगा। तो राहु देवता आठ और नौ में नीच के हुए। बृहस्पति देवता कर्क राशि में उच्च के, एक दो तीन चार पांच छ सात, मकर राशि में नीच के। बुध देवता कन्या राशि में उच्च के, एक दो तीन चार पांच छ सात। मीन राशि में नीच के। शनि देवता तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के। मेष राशि कैसे? एक दो तीन चार पांच छ सात। तो आप किसी भी ग्रह से जो उच्च का है उसका सातवां घर गिन लीजिए, वो वहां नीच का होगा। केतु देवता वृश्चिक और धनु में उच्च के, वृष और मिथुन में नीच के। ये वृष ये मिथुन, यहां पे नीच। यहां से सात गिनेंगे तो वृष और मिथुन। मंगल देवता मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के। मंगल देवता यहां उच्च के से एक दो तीन चार पांच छ सात, चार नंबर मतलब कर्क राशि, वहां मंगल देवता नीच के। शुक्र देवता, शुक्र देवता मीन राशि में सदैव उच्च के रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे आपको जिंदगी में, ऐश्वर्य देंगे, खूबसूरती देंगे अगर उच्च के हैं तो। यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात, कन्या राशि में नीच के। तो आज हमने ये समझा कि ग्रह अगर उच्च का है तो उसका क्या मतलब है, नीच का है तो उसका क्या मतलब है, उच्च का ग्रह कैसे देखना है और नीच का ग्रह कैसे देखना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जप नाम।